नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हैं हम बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में, जो स्थित है देवघर में। देवघर जो बिहार में है, जिसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जसीडीह और नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोलकाता या रांची एयरपोर्ट, और रोड से वेल कनेक्टेड है, तो आप देवघर जाकर इसके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वैद्यनाथ धाम की ओर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर माता पार्वती यानी सती माता का भी अंग गिरा था। तो ये सती पीठ भी है, 51 शक्तिपीठ में से एक ये शक्तिपीठ भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसको हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत दुर्लभ मंदिर, जाना माना मंदिर, और 12 ज्योतिर्लिंग की अगर आप यात्रा करेंगे तो उसमें आपको इस ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने होंगे, तभी माना जाएगा आपका 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को पूर्ण। देखिए, अभी हम मुख्य द्वार की ओर जा रहे हैं, पूरा मार्केट में बसा हुआ है ये बीचों बीच, तो आप प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ मोस्टली पेड़े चढ़ाए जाते हैं, तो आप प्रसाद के रूप में मावे के पेड़े ले सकते हैं। किस तरह का पेड़े भंडार है यहाँ पे देखिए, इस तरह का पेड़ा मिलता है, तो आप पेड़ा लेकर जाइए और चढ़ाइए माता के मंदिर में। तो चलिए चलते हैं हम बाबा के दरबार में। खाने का तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से आपको वेज खाना मिल जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर होटल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी होटल्स हैं, और रेस्टोरेंट का भी कोई इशू नहीं है। प्योर वेज खाना, साउथ इंडियन खाना, हर तरह का खाना आपको मिल जाएगा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो खाने पीने की, रुकने की कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये आ चुका है मेन द्वार, लेकिन जूते चप्पल आप इधर उधर मत उतारिए, जूता स्टैंड पे ही रखिए। और इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए कि गर्भगृह में या कहीं पर भी, किसी भी मंदिर में मोबाइल से वीडियोग्राफी और फोटो लेना स्ट्रिक्टली मना है, वर्जित है, यानी आप फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, तो अभी हम आपको लाइव आपको दिखाएंगे कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो दिल खोल के रिकॉर्डिंग कीजिए, कैसे कीजिए वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। पहली बार किसी वीडियो में डायरेक्ट आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भ गृह में। ये देखिए, मंदिर के आसपास का एरिया है ये, यहाँ पर तो फिर भी आप आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में रिकॉर्डिंग करने का शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, जो बहुत ही निंदनीय है और बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए अब लगते हैं लाइन में। और टोटल 21 मंदिर हैं इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के प्रांगण में, हनुमान जी के, गणेश जी के, माता के, दुर्गा माता के, भैरवनाथ के, इस तरह से टोटल 21 मंदिर हैं। तो ये देखिए, लाइन लग चुकी है, कंप्लीट ग्रिल से कवर्ड लाइन है, ताकि भगदड़ ना मचे, घबराहट ना हो। और ये आप सुंदर दृश्य देख रहे हैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर प्रांगण से। ये देखिए, ये जो सबसे ऊंचा मंदिर है यही मुख्य मंदिर है, और पास में जो मंदिर है वो माता सती का मंदिर है, जो एक शक्तिपीठ है जहां पर माता का हृदय गिरा था। तो इसके आगे से जुड़ी हुई कहानी भी आपको बताएंगे। दोस्तों, हम लग चुके हैं लाइन में और इसके सारे लोग हैं।
अगले आधे घंटे में हमारे पूरे दर्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको। एक बार रावण ने हिमालय पे जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और अपने सिर एक एक काट के शिवलिंग पे चढ़ाने शुरू करे। जब 9 सिर चढ़ गए तो 10वां सिर काटने ही वाला था कि शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके 10वां सिर वापस दे दिए। तब से उनको कहा जाने लगा वैद्यनाथ, क्योंकि उन्होंने उसका इलाज किया। और जब वरदान मांगने को बोला तो रावण ने बोला कि मैं शिवलिंग को ले जाकर श्रीलंका में स्थापित करना चाहता हूँ, और शिवजी ने परमिशन दे दी, लेकिन कंडीशन रखी कि अगर रास्ते में कहीं पर भी शिवलिंग को ज़मीन पे रख दिया तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। और वही हुआ, सभी देवताओं ने मिलके षड्यंत्र रचा रावण के लिए ताकि श्रीलंका नहीं ले जा सके वो शिवजी को, नहीं तो वो अजय अमर हो जाता। तो रास्ते में विष्णु जी की कृपा से उनको लघु शंका यानी वॉशरूम जाना पड़ा, और जब वो गए तो उन्होंने एक दूध वाले को शिवलिंग दे दिया रखने के लिए हाथ में, और थोड़ी देर के बाद वो शिवलिंग उसे भारी जब रगने लगा और रावण के आने के पहले ही उसने वो शिवलिंग जमीन पे रख दिया और वहाँ पर स्थापना हो गई उस शिवलिंग की। तो उसी जगह का नाम है देवघर और मंदिर का नाम है बाबा बैद्यनाथ धाम। तब से ये शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हुआ और ये मंदिर का निर्माण हुआ और आज हम उसी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, शाम की आरती का आपने दर्शन किया और ये जो दो मंदिर हैं इन दोनों के बीच में बंधन किया जाता है और इस बंधन की पूजा होती है, आपस में बंधन लगाए जाते हैं। और इस जगह से जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो पुलिस ने मेरे को कैमरा चलाने से मना कर दिया, कोई मोबाइल नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम प्रवेश कर रहे हैं गर्भगृह में, और उन्होंने बोल दिया यहाँ पर स्ट्रिक्टली रिकॉर्डिंग मना है। तो देखिए अब आएगा मजा। पहले आप दर्शन कीजिए शिवलिंग के, आरती के बाद 6:30 बजे के बाद इसको ढक दिया जाता है, और अब देखिए असली कहानी शूटिंग की। सौरभ साथ में ही है। सौरभ जी के तरफ से 500 रुपया भोले बाबा सेवा पूजा माया चकाचक रहे सौरभ जी का बाबा खूब आनंद रहिए माता चाहिए मैन पुजारी वही है पुजारी जिनको बढ़िया आशीर्वाद दे दीजिएगा ठीक है। अरे वहीं जा रहे हैं पंडित जी ने बोला अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो 500 रुपए देने होंगे, तो मैंने 500 रुपए का नोट चढ़ावे में चढ़ाया। उसके बाद भी पंडित जी की रिक्वेस्ट थी कि पुजारी जी को अलग देना है, फिर उनको अलग पैसे दिए, फिर उन्होंने परमिशन दे दी जितनी रिकॉर्डिंग करना है कर लीजिए। पुजारी जी का अलग होता है, अलग पुजारी जी का अलग होता है, नहीं ठीक है वो उधर दिए पुजारी जी का अलग, पुजारी जी का देखो पापा 100 रुपए का नोट दे दो, पुजारी जी का अलग होता है, भगवान दिए हैं तो 500 का दे, ना सकते तो कोई बात नहीं, सब परिवार के नाम पर दोस्तों बुरी बात ये नहीं है कि पुजारी जी डिमांड कर रहे थे, बुरी बात ये थी कि जिनके हाथ में पैसे थे वही दर्शन कर पा रहे थे, और जिनके हाथ में पैसे नहीं थे, जो चढ़ावा कुछ भी नहीं चढ़ा रहे थे, उनको पुजारी लोग खुद धक्का देकर आगे बढ़ा रहे थे कि अब क्या दर्शन करना है जब चढ़ावा नहीं चढ़ाना है। तो ये बहुत गलत बात है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और दोस्तों यही हाल माता सती के गर्भगृह में भी हमारे साथ हुआ। अभी आप खुद सुनिएगा पंडित जी के मुंह से के पैसे देने के बाद उनका बिहेवियर कैसा था और हम कितनी देर तक शूटिंग करते रहे, जबकि जो लोग चढ़ावा नहीं चढ़ा रहे थे उनको धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा था। देखो
सजेगा वहाँ, सब रिकॉर्डिंग में मजा आएगा। नाम बोलिए अपना। सौरभ। ये सौरभ जी के तरफ से आया 501 रुपया माइक है। यहाँ भाई 600 आ गया। आनंद है, ये अब रिकॉर्डिंग कीजिए, मजा आएगा। क्या हुआ, इधर आ जाओ। ये ले जी। और आप मेरे पास ही आए थे क्या? संजय जी ने करवाई थी उधर। अच्छा, ये भी आए थे। हम लोग और जो दोस्तों पैसे नहीं चढ़ा रहे थे उनको मोबाइल भी पॉकेट से नहीं निकालने दिया जा रहा था और आगे भी नहीं आने दिया जा रहा था कि बस यहीं से दर्शन कीजिए और भागिए। तो ये व्यवहार मंदिर समिति की तरफ से अगर पुजारी लोग कर रहे थे तो बहुत ही गलत है। सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और मंदिर प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। निशी कहाँ है? निशी हो गया दर्शन? तो देखा आपने कि पैसों का खेल है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं है। पैसे दीजिए और फोटो लीजिए। आपने देखा है खेल, पैसे का खेल है, पैसे का खेल देखा है आपने। और क्या खेल है ये? श्री गणेश मंदिर, काली मंदिर, वाह। और दोस्तों यहाँ पर अनेक तरह की पूजा है लेकिन रेट कुछ भी फिक्स नहीं है मंदिर प्रशासन की तरफ से। ये एक मंदिर से दूसरे मंदिर में बंधन बांधा जाता है और कहा जाता है कि इससे जो शादीशुदा दंपत्ति हैं उनकी जोड़ा सदा सलामत रहता है और उनके बीच में हमेशा प्यार बना रहता है, बंधन बंधा हुआ रहता है। तो ये माता पार्वती के मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम तक का ये बंधन बांधा जाता है। तो दोस्तों अगर मंदिर की तरफ से फीस फिक्स है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5,000-5,000 10,000 रुपए की पूजा भी इसके नाम से की जाती है। की जगह मंदिर प्रशासन चाहे तो फिक्स टिकट रख दे या मोबाइल की फीस रख दे ताकि पुजारियों की जगह मंदिर प्रशासन के पास ये पैसा जाए तो ज्यादा अच्छा है। पर हवन करवा सकते हैं, देखिए पूरी फैमिली मिलकर हवन कीजिए। ढेर सारे हैं, बगला मुखी मंदिर है, ढेर सारे मंदिर हैं। आप किसी भी मंदिर में पूजा करवाइए, पंडित जी तैयार खड़े हुए हैं और पैसे का गेम है सब कुछ। पैसा देते जाइए, पूजा कराते जाइए। फाइनली हो चुकी है हमारी इस मंदिर की यात्रा और एक ज्योतिर्लिंग हो चुका है कंप्लीट। गंगाजल लेके आते हैं, देखना नहीं है ज़्यादा तो यहाँ से सिर्फ दर्शनम कूपन काउंटर आप ले सकते हैं, यहाँ से कूपन मिलेगा आपको सिर्फ दर्शन का। तो दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी तो पेट पूजा की जाए, हर तरह का भोजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा शुद्ध शाकाहारी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका कोई भी डाउट है उसका जवाब दूंगा। और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।